कोसी तहसील के भाकरी ग्राम पंचायत स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल की दुर्दशा दिनों दिन जर्जर से जर्जर बनती जा रही है। वहीं कोई इसकी सुध लेने वाला नहीं है एवं इस विद्यालय में बोर्ड परीक्षाओं का केंद्र भी है, मगर इस विद्यालय के पूरे परिसर में आवारा पशुओं का जमावड़ा भी खूब रहता है। एक तरफ सरकार सरकारी विद्यालयों में संपूर्ण सुविधा युक्त शिक्षा के बड़े बड़े दावे करती है, वही विद्यालयों के हालात उसके विपरीत है। गांव के राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय की चार दीवारी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पड़ी है। 1993 में बनी विद्यालय की 4 फीट ऊंचाई की दीवार के पत्थर अब पूरी तरह से बिखरे हुए पड़े हैं। इस सत्र में विद्यालय में 440 छात्र छात्राएं अध्ययनरत है, जिसमें से 260 छात्राएं हैं। विद्यालय की दीवार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने के कारण खेलते समय बच्चों को चोट लगने का भी खतरा रहता है। गाँव के जागरूक युवा सतवीर भाकरी ने बताया कि विद्यालय की दीवार क्षतिग्रस्त होने से आवारा पशु क्लासरूम तक भी पहुंच जाते हैं, जिससे पढ़ाई में व्यवधान तो पड़ता ही है, साथ ही बच्चों में हादसे का भी खतरा रहता है। शिक्षक व छात्राओं के पास आवारा पशुओं को बाहर भगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। भाकरी ने बताया कि प्रशासनिक उदासीनता के चलते कई बार ग्राम पंचायत व समिति स्तर पर अवगत करवाने के बावजूद जर्जर दीवार का जीर्णोद्धार नहीं करवाया जा रहा है। इससे विद्यालय में ग्राम पंचायत भाकरी के अलावा ग्राम पंचायत भेड़ के विद्यालयों की बोर्ड कक्षाओं 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का केंद्र भी है। बोर्ड परीक्षाओं में भी दीवार क्षतिग्रस्त होने से आम लोग व पशु विद्यालय परिसर में चले आते हैं, जिससे परीक्षाओं में खलल पड़ता है और परीक्षार्थियों को भी इस समस्या का सामना करना होता है। साथ ही विद्यालय परिसर में लगाए गए पेड़ पौधों को भी आवारा पशु नष्ट कर देते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि अगर प्रशासन द्वारा जल्द कोई सुनवाई न हुई तथा 1 महीने में दीवार के पुनर्निर्माण की स्वीकृति नहीं मिली तो बोर्ड परीक्षाओं से पहले विद्यालय की तालाबंदी कर स्कूल के आगे धरना दिया जाएगा। इस समस्या के बारे में भाकरी सरपंच भवरलाल मेघवाल को ग्रामीणों ने अवगत करवाया तो उन्होंने कहा कि नरेगा की तरफ से स्वीकृति मिल रही है, लेकिन नरेगा से काम करवाने में ग्राम पंचायत असमर्थ है। पिछले विधायक भराराम सियोल को भी क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत के लिए अवगत करवाया, लेकिन समाधान नहीं हुआ। अब ओसिया की नई विधायिका दिव्या मदेना को अवगत करवाया है। उन्होंने विधायक कोष से मरम्मत करवाने का आश्वासन दिया है। ग्राम पंचायत भाकरी के अंदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जहाँ पर बच्चों की स्टैंड 280 है करीब, और दीवार टूटी फूटी है। और मैंने विधान पंचायत समिति से बजट मांगा तो पंचायत समिति नरेगा के अंदर काम कराने के लिए कह रही है। ग्राम पंचायत भाकरी के पास में बजट नहीं था और नहीं है। और मैंने विधायक महोदय से निवेदन किया, उसने कुछ अवगत करवा दिया, मन कुछ काम नहीं हुआ हमारा। और अब मैं दिव्या जी मदेन से भी ये लेटर लिख के दे के आया हूँ, आश्वासन दिया है कि मैं मेरे विधायक कोष से इनकी चार दीवारी है पूर्ण करवाऊंगा। और यहाँ पर बोर्ड है और कई स्कूलों के यहाँ छात्र परीक्षा देने के लिए आते हैं और बड़ी बड़ी बच्चियाँ हैं, इनकी दीवार होनी अति आवश्यक है। ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।